कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जब भी आई थी तब ऐसे थी, अभी होश में आई हूँ. बहुत मजा आ रहा है, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक पहले जब आई थी तो मैं इसे उठा कर ले गया था रूम तक, तो खुद चल के अब खुद चल के आई है तो तुझे अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है. फिर हम लोग पंखुड़ी से जाना चाहेंगे कि लाइक आदि तो कंफ्यूज है ही, तो आयशा भी घर में है, तो फिर पंखुड़ी से अगर डिसीजन मांगे कि क्या करना है फॉर आयशा, बिकॉज यू आर द फर्स्ट वाइफ, सो क्या करेंगी आप? पंखुड़ी को पता ही नहीं है कि मेरी आयशा से शादी हुई है. अभी पता चल जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे. तो आदित्य क्या करेंगे? अभी आयशा भी है और पता नहीं यार, राइटर कुछ लिखे देंगे, सच्ची मुझे पता नहीं है क्या करेंगे. जो राहुल लिख के देगा वो हम कर लेंगे. वेरी गुड एक्टर्स, वेरी सिंसियर. तो पंखुड़ी मतलब घर में डेकोरेशंस वगैरह भी देख रही थी आप, मतलब सब चीज बदलाव हुए पड़े हैं? हाँ, तो मैं ये देख रही थी जब मैं 2 साल कोमा में पड़ी थी तो घर में कितने चेंजेस आ गए. वॉलपेपर बदल दिए, डाइनिंग टेबल शिफ्ट हो गया. सो मैं यही पूछती थी, कपड़े बदल लिए? कपड़े बदल लिए मतलब कपड़े तो बदले गए ना, 2 साल वही थोड़ी पहन के रखेंगे. तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी क्या हो रहा था, तो क्या हो रहा है. व्हाट अबाउट मतलब आयशा, मतलब आप जैसे आयशा तो पहले से ही आपको देख रही थी, लेकिन आज आप भी देखी आयशा आमने सामने. हाँ, बहुत मजा आया कि मेरी शक्ल का एक और इंसान है. आयशा कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. आदित्य में कुछ बदलाव देखे? बदलाव नहीं, वैसे ही है आदित्य, तो दाढ़ी उगा ली है बस. 2 साल में बढ़ेगी ना थोड़ी तो. हाँ, थैंक यू.